दो तीन दिन पहले से, जब पहले मेरे बच्चे जाती थी 4 बजे, उसके बाद 3 बजे, उसके बाद बुलाने लगे 2 बजे, तो मेरे बच्चे जाने लगे 2 बजे से 6 बजे तक पढ़ाने लगे। सब बच्चों को छुट्टी दे देता और मेरे बच्ची को अकेले रखते थे। अकेले जब रहते थे उसके बाद वो कंधे पर हाथ धर के पढ़ाता था। वो बच्चा को हम बोले आप छेड़खानी क्यों करते हैं, बोलता हम छेड़खानी नहीं किया, आप बुलाइए। हम बोले क्यों बुलाएंगे उसको, हम जब हम आया तो आपको क्यों बुलाएंगे। तो वही बोला नहीं होगा तो हम कैसे फिर समझेंगे। तो ऐसे सबको आके गाँव वाले लोग मिल के हमको मारने लगा, 8-10 लड़का। करीबन शाम में पता चला कि 12 साल की बच्ची के साथ उसी के टीचर ने कुछ गलत हरकत किया, इवन शोल्डर पे, कमर पे हाथ रखने की कोशिश की। अब बच्ची तो डर से इतना ही कह रही है, पता नहीं इसके आगे क्या हुआ होगा। और हम लोग भागलपुर से आए हुए हैं नाथनगर, और हमको लगता है कि इस मुद्दे को बहुत सीरियसली लेना चाहिए प्रशासन को भी और आम जनता को भी, कि ऐसी हिम्मत ना करे कोई टीचर। शिक्षक जो होते हैं वो ज्ञान के दर्शन होते हैं, स्रोत हैं, और अगर इस तरह से बच्ची के साथ गलत होगा तो ये अविश्वास की बात हो गई। ये बहुत घृणित काम है और आए दिन अब देखने को मिल रहा है कि ऐसी ऐसी हरकतें बढ़ती जा रही हैं। अभी हमको शाम में पता चला कि एक 10-11 साल की एक लड़की है, वो कहीं ट्यूशन पढ़ने, कोचिंग करने जाती थी, वहाँ के मास्टर जो है इसके साथ गलत हरकत करते थे। उसके लिए इन्होंने कहा कि हम अभी, हालांकि इनको जो मास्टर के बारे में पूरी जानकारी नहीं है क्योंकि यहाँ पर रेंट पर वो कोचिंग चलाता है, लेकिन हम सारे जगह का जायजा ले लिए हैं, वो स्थान कहाँ है जहाँ पर वो कोचिंग चलाता है, और ये लड़की पर यदि गलत हरकत करेगा तो उसको कभी बख्शा नहीं जाएगा। हम अभी भी जाके वहाँ पर सारा डिटेल्स ले लिए हैं और सुबह भी हम वहाँ जाएंगे और जाके पता करेंगे कि वह मास्टर कौन है और कैसी उसकी हिम्मत कैसे हो गई ये करने की।